हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफदरजंग टॉम। तो अभी मैं सफदरजंग टॉम आया हूं, तो आज मैं सफदरजंग टॉम की सफ़र करने वाला हूं। तो आप भी देखिए सफदरजंग टॉम, और कभी मौका मिलता तो आप आइए इधर। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा टिकट के बारे में और क्या क्या अंदर देखने को है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है जहाँ पे आपको इस टॉम के बारे में पता चल जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली इन्होंने ऑनलाइन टिकट स्कैन एंड पे ऑप्शन शुरू किया है। तो एक टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पे लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये रहा सफदरजंग टॉम्ब, कितना खूबसूरत। फ्रेंड्स, ये जो मेन टॉम्ब है, इसके चार पास मैंने अभी आपको घुमाया दिखा। मैं फर्स्ट फ्लोर में, इसकी जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो दिखा आपको दिखा दूँ ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ पे मेरा दोस्त बैठ के भूख लगाया उसको। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको राउंड में दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आने के लिए बहुत सारे सीधी स्टेयर्स है चारों तरफ। तो और इसके भी अंदर आप देख सकते हैं मुगल टाइम की कितना खूबसूरत पेंटिंग्स है। पेंटिंग्स तो नहीं, जो डिजाइन यहाँ पर बना हुआ आप देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। डोम स्ट्रक्चर की ये बना हुआ है, और मेन जो टॉम्ब है ये रहा वो मेन टॉम्ब, और आप देख सकते हैं इसके चारों साइड में, इसके ऊपर कितना खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है।
फ्रेंड्स, ये जो मेन टॉम्ब है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सफदरजंग का ये टॉम्ब है। तो सफदरजंग मुगल टाइम के एक बहुत ही फेमस फिगर था, तो और एक्चुअली वो अवध का वजीर भी था मुगल टाइम के, और मुगल कोर्ट में भी उनके बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था। तो दिल्ली में इनके नाम पे आई थिंक ये टॉम्ब बना हुआ और एक सफदरजंग एयरपोर्ट भी बना हुआ, बट एक्चुअल में जब आप लखनऊ जाते हो तो उस टाइम पे आप ये सफदरजंग जो कैरेक्टर था मुगल टाइम की, जो अवध का वजीर भी था, तो इनके नाम आप लखनऊ साइड में बहुत सुनते हो, उनके बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बना हुआ। तो ये एक दिल्ली का स्ट्रक्चर है जो सफदरजंग टॉम्ब उनके नाम पे, उनकी ये टॉम्ब इधर रखा हुआ है। और आप देख सकते हो मुगल टाइम के बिल्कुल जो आर्किटेक्चर है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मेंटेन कर रहा है। और इस टॉम्ब को आप देख सकते हो जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन एंट्रेंस है, उस मेन एंट्रेंस से आपको ये एक स्क्वायर शेप का ये कॉम्प्लेक्स है, तो एकदम बीचों बीच आपको ये टॉम्ब मिलेगा जो मेन टॉम्ब, और चारों साइड में आपको चार मेन गेट मिलेगा। तो एक जिस गेट से हमने एंट्री किया जो मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, और चारों साइड में बिल्कुल चार और इस तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है पूरे स्क्वायर प्लेस को। तो फ्रेंड्स, ये मेन टॉम्ब के जो मेन पोर्शन है, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये मेन टॉम्ब की जो पोर्शन है सफदरजंग टॉम्ब, तो उसको मैंने अभी आपको बताया कि ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है। तो चारों साइड में मेन टॉम्ब से फोर डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। और बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मेंटेन करता है, तो ये बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप वीकेंड पे भी आ सकते हो, और अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो ये जोरबाग मेट्रो स्टेशन जस्ट पास ही है, तो आप वहाँ से मेट्रो से भी आ सकते हो। और बाकी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बसेस बहुत चलती है इस रूट पे। तो ये मेन टॉम्ब की स्ट्रक्चर कुछ कॉर्नर से ऐसे दिखते हैं। और ये जो अभी जो मेन गेट है, जहाँ पे एंट्रेंस गेट है, वो ये आपके सामने जो दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने एंटर किया था। तो अब सीधा जब आते हो तो ये एक जो चार डायरेक्शन का ये पहला डायरेक्शन है, बट यहाँ पे फिर इसके जस्ट मेन टाउन का ऑपोजिट भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगा, और दोनों साइड में वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फ्रेंड, कैसे लगा सफदरजंग टॉम्ब का ये टूर? और यहाँ पे आप अगर दिल्ली आते हैं, अगर आपके हाथ में कुछ थोड़ा सा टाइम है घूमने आ रहे हो दिल्ली, तो ये जगह आप मिस मत करना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हिस्टोरिकल थोड़ा सा वाइब आपको मिलता है देखने को, मुगल टाइम के आर्किटेक्चर है तो। और यहाँ पे आने के लिए आपको बसेस मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, DTC की बसेस है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग है। तो
आई होप आप अगर इन फ्यूचर कभी दिल्ली विजिट करते हो या दिल्ली में हो, अगर आपने नहीं देखा तो ये टॉम्ब आप देखिए, और कोशिश कीजिए आप विंटर टाइम पे आइए तो ज़्यादा, क्योंकि इधर की मौसम भी अच्छा होता है दिल्ली में, तो आप या तो आप आफ्टरनून में आइए या तो विंटर टाइम आए तो अच्छा, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते कोई दिल्ली की कोई और प्लेसेस पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।